हेलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पार्ट वन का इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी। हेलो हेलो दनीश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जल्दी से अपना बुक निकाल लो और रेडी हो जाओ। हाँ जल्दी जल्दी से गाइस, बुक वुक निकाल के बैठ जाओ और बी रेडी। ठीक है गाइस, पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग जितने चैप्टर है इसके अंदर, कि पेपर वन में कौन कौन से चैप्टर आएंगे सब ऑल। ठीक है गाइस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस स्टैंडर्ड 10th। और कितना पेपर बचा है आपका? आपका एक पेपर तो हिस्ट्री का भी शायद 1 तारीख को होगा, 1 तारीख को आपका हिस्ट्री का पेपर होगा। उसके बाद आपका कौन सा पेपर बचा है गाइस? रिप्लाई करो यार। गाइस आपका और कितना पेपर बचा है? आपका ये परसों हिस्ट्री का पेपर हो जाएगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का एक और है। ओके, कौन सा पेपर बचा है आपका? ज्योग्राफी का पेपर आई थिंक, मेरे हिसाब से आपका ज्योग्राफी का पेपर बचा होगा। ओके, ज्योग्राफी का पेपर बचा होगा। ओके ओके, उसके बाद आपको कोई भी नहीं होगा ना, ज्योग्राफी लास्ट होगा आपका पेपर। ओके ठीक है गाइस, ज्योग्राफी का पेपर, उसका भी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके ओके, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से जो चैप्टर है वो आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे यहाँ के। ठीक है, बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है कि कौन से चैप्टर आएंगे या कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। ओके ठीक है, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे टोटल 9 चैप्टर है। तो 9 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 9 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है वो आप लिख लो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और आप इसमें से एक दो चैप्टर्स अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, और बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर कि आप हिस्ट्री के अंदर आप एक से ज़्यादा चैप्टर को अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आप आसानी से जो 28 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर आपका होगा वो आपको 28 मार्क्स निकल जाएगा। ओके, तो पहला चैप्टर, पहला पहला और सेकंड चैप्टर, आयान आयान, ओके ओके, हाय हाय। पहला और दूसरा चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा, और ऑप्शनल के साथ आपको कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 9 मार्क्स के लिए आएंगे। ओके, उसके बाद थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री रिड्यूस है ना गाइस। पहले आप लोग वेटेज देख लो कि चैप्टर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, ताकि आप आसानी से क्या कर सकते हो, चैप्टर को रिड्यूस कर सकते हो। ओके ओके गाइस, तो देखते जाओ यहाँ पे जो जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर आपको 3 मार्क्स के लिए आने वाला है। अगर आप ऑप्शनल के साथ जाओगे तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का हो जाएगा? 5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 9th। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने चैप्टर बचे हैं? यहाँ पे टोटल 2, 4, 6, 6 चैप्टर बचे हैं। तो यहाँ पे आपको जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर के लिए आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे 5 चैप्टर में से। सर हमारा हिस्ट्री मराठी मध्य है। आयान आयान, आपको मराठी में है? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मराठी का भी यहाँ पे जो बुक है उसको दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। ओके आयान, ठीक है चलेगा। आयान
तलिश्मा, हाय हाय, हाउ आर यू, कैसा गया आपका पेपर? सर सिक्स चैप्टर रिड्यूस है। हाँ सिक्स चैप्टर रिड्यूस है, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री नहीं आएगा। ओके गाइस, आपको याद रखना है ये एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री नहीं आने वाला है। ठीक है गाइस, एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं आएगा। ओके आपको ये याद रखना है, एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके ओके आयान। ठीक है तो हम लोग दोनों बुक को डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, ओके तलिश्मा, ओके। ये देखो आयान, हमने हिस्ट्री का भी आपका जो बुक था मराठी मीडियम का, वो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको। मराठी मीडियम के भी जो बच्चे होंगे वो भी देख ले, दोनों में हम लोग साथ साथ चलेंगे। ओके मराठी और हिंदी में, इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। आयान आप देख लो, ठीक है। आपको इतिहास और राज्यशास्त्र का बुक दिख रहा है? आयान हम लोग दोनों बुक एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये देख लो, ठीक है। और सेम जो मार्किंग स्कीम है वो सेम आपको यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। सेम मार्किंग स्कीम आपको मराठी के बुक में भी रहेगा। ये देखो पहला पहला और दूसरा चैप्टर, यहाँ पे आपको पहला और दूसरा चैप्टर आएगा, वो आपको 6 मार्क्स के लिए है और ऑप्शनल के साथ 9 मार्क्स के लिए है। तीसरा जो चैप्टर है 3 मार्क्स के लिए है और ऑप्शनल के साथ 5 मार्क्स के लिए है। ओके उसके बाद जो 6th वाला चैप्टर है ये नहीं आएगा, लेकिन ये दो चैप्टर और ये दो चैप्टर, ये आपको जो 4 चैप्टर है वो 4 चैप्टर 16 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। और ऑप्शनल के साथ ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 23 मार्क्स के लिए। उसी तरह से इंग्लिश में भी ये वाला चैप्टर क्या है? रिड्यूस है। ओके हाय सूरज, हाय हाउ आर यू, कैसा गया आपका पेपर? ये वाला चैप्टर आपको नहीं करना है, एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री वाला चैप्टर, ठीक है। हेलो हेलो सूरज, सृजल, हेलो सृजल, दनिश, हाय तलिश्मा। ओके ये वाला चैप्टर आपका नहीं आने वाला है। सेम इसमें भी आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम कैसा 16 मार्क्स का आएगा, और अगर आप ऑप्शनल के साथ जाओगे तो आपको 23 मार्क्स के लिए आएगा। ओके उसके बाद लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर का वेटेज है, लास्ट चैप्टर आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा, और ऑप्शनल के साथ कितने मार्क्स हो जाएंगे? 9, सॉरी 9 नहीं, ठीक है। ऑप्शनल के साथ ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 5 मार्क्स के, ठीक है। ऑप्शनल के साथ ये 5 मार्क्स के लिए हो जाएगा। सर चैप्टर 4 भी रिड्यूस है। सर चैप्टर 4 हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, मैं यहाँ पे आपको नीचे के पूरे चैप्टर के वेटेज बता रहा हूँ। ओके 6 3 9, 9 3 कितना हो गया? 12, 12 6, 12 6 गाइस 18 18 10, 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा गाइस, ठीक है। अगर आप लोग ये रिड्यूस कर लेते हो तो भी, देन उसके बाद यहाँ पे आप 28 मार्क्स का आपको क्वेश्चन लिखना है गाइस, और कितने मार्क्स से लिखना है आपको? टोटल 42 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स का पेपर लिखना है? 28 मार्क्स का। तो ये आपके लिए इजी है, इजी है कि नहीं गाइस? गाइस आपके लिए इजी है कि नहीं? आपको सिर्फ 42 मार्क्स में से कितने मार्क्स का लिखना है? आपको 28 मार्क्स का लिखना है, ठीक है गाइस। 42 मार्क्स में से आपको सिर्फ 28 मार्क्स का पेपर लिखना है। ओके तो ये आपके लिए बहुत इजी है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सेम 28 मार्क्स का पेपर आएगा, और यहाँ पे ऑप्शनल के साथ आपको 42 मार्क्स के लिए आएंगे। पॉलिटिकल साइंस 12 मार्क्स, यस अनुष्का यू आर राइट। यहाँ पे आप मराठी मीडियम में भी सेम उसी तरह से 28 मार्क्स का हिस्ट्री का आएगा, इतिहास का पेपर, और 28 मार्क्स के लिए यहाँ पे इतिहास का पेपर आएगा, और जो राज्यशास्त्र है वो 12 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, उसके बाद नीचे हम लोग चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ये वाला क्वेश्चन। ओके और एक बार हम लोग पेपर भी देख लेते हैं गाइस,
ये पेपर है, 2020 का पेपर है गाइस, ये 2020 का पेपर है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पार्ट वन का 2020 का पेपर है। तो इसके अंदर देख लो गाइस, क्वेश्चन किस तरह से आए थे। आपको सिर्फ 3 MCQ आने वाला है, तो आप लोग को ज़्यादा लिखने वाला है, लिखने वाला पेपर ज़्यादा आने वाला है। सिर्फ आपको 3 मार्क्स का MCQ है हिस्ट्री के अंदर, ओके। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 मार्क्स का MCQ है, और 2 मार्क्स का MCQ आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर आएगा, ओके। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ आपको 3 मार्क्स का MCQ है, उसके बाद 3 मार्क्स का आपको यहाँ पे राइट पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे आपको चार्ट भी बोला है, चार्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप फॉलोइंग मैप भी, कॉन्सेप्ट मैप भी आएगा क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट मैप वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपको। टाइप ऑफ टूरिज्म, जितने भी कॉन्सेप्ट मैप वाले क्वेश्चन है वो याद रखो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको यहाँ पे कौन कौन से शॉर्ट नोट्स में आएंगे वो भी यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट नोट्स में, सब क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे। उसके बाद स्टेटमेंट विथ रीज़न, जैसे हम लोग ने साइंस में देखा था, टेबल पेन से बनाना है क्या? आप पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके अंदर जो आप लिखोगे वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ कोई वो नहीं है, ठीक है। टेबल आप पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ, ठीक है, किसी से भी बना सकते हो। सर इतिहास का पेपर 40 मार्क्स का, इतिहास का पेपर 28 मार्क्स का, पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपको 12 मार्क्स का, दोनों मिलाकर 40 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसेज भी आने वाला है गाइस, तो पैसेज में आपको 4 मार्क्स तो कन्फर्म है, पैसेज में आपको 4 मार्क्स कन्फर्म है एकदम, ठीक है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और यहाँ पे अभी पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे सिर्फ 2 MCQ है, साथ में ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट है। शॉर्ट नोट की वर्ड लिमिट्स क्या है, आपको शॉर्ट नोट कितने मार्क्स का है, अगर 1 मार्क्स का है, दो, अगर आपको शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का है तो आप लोग 20 से 25 वर्ड्स लिख सकते हो, 20 to 25 वर्ड्स बस हो गया, इनफ हो गया आपके लिए, ठीक है। फॉलोइंग कॉन्सेप्ट दिया है, चार्ट्स भी दिए गए हैं, ओके। तो गाइस अभी हम लोग लेसन पे आ जाते हैं, तो ये रहा आपका पहला चार्ट। आप लोग क्या करो, टिक मार्क करते जाओ, कौन कौन से जो चार्ट्स हैं वो आने वाले हैं, कौन कौन जो चार्ट्स मैं बोल रहा हूँ उसी में से आएंगे, ओके। पहला चार्ट, उसके बाद आप क्या करोगे, हिस्टोरियोग्राफी का 40 में 40 मिल सकते हैं, आराम से 40 में 40 मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे हिस्टोरियोग्राम का डेफिनेशन याद करना है, ठीक है नीतीश, आराम से हिस्टोरियोग्राम का टेबल यहाँ पे आपको, यहाँ पे हिस्टोरियोग्राम का आपको डेफिनेशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ वही टिक करो आप लोग, और कुछ भी नहीं। ये सब आपको नहीं पूछने वाले कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ओके। कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ लो, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ लो, ओके गाइस। देन उसके बाद फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, ठीक है गाइस। कार्ल मार्क्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप का कॉन्सेप्ट मैप आएगा, ओके ओके, मैं सब बताऊंगा आपको, ओके गाइस। ये देखिए, नोटेबल स्कॉलरशिप इन यूरोप, नोटेबल स्कॉलरशिप इन यूरोप, ये वाला चार्ट आप लोग कंफर्म कर लो। यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे हमने कहा था, बहुत से बच्चे आज बहुत टेंशन में थे, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको 60% जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है वो आपके एक्सरसाइज से आता है, 60% आपको एग्ज़ाम में एक्सरसाइज से आने वाला है, और बाकी का 40% आपको चैप्टर से आने वाला है, ओके। आप लोग टिक करते जाओ, ठीक है।
यहाँ पे आपको टिक करते जाना है फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट आपको करने हैं, ठीक है। आपको एक्सरसाइज पूरा करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में मेंडेलियव पीरियड, मेंडेलियव पीरियड, मेंडेलियव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। इसमें आपको कॉलोनिकल हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये तीनों आपको पॉइंट्स करने हैं, ओके। ये तीनों पॉइंट्स आपको एक एक मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ओके गाइस। मैं जितना बोल रहा हूँ आपको उतना ही करना है, बहुत कम आपको करना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है गाइस, याद रखना। ये टेबल आप लोग याद रख कर लोगे, कॉन्सेप्ट मैप, ये कॉन्सेप्ट मैप आपको करना है गाइस, क्योंकि कल के पेपर, आपको जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है उसके अंदर मैप बहुत सारे आएंगे, ओके। कॉन्सेप्ट मैप बहुत सारे आने वाले हैं गाइस, तो बी रेडी, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे आने वाले हैं गाइस, और एमसीक्यू भी आपको कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइस। आप लोग रेडी हो जाना, आपका पेपर थोड़ा टफ नहीं लेकिन आपका ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो गाइस आप लोग अच्छे से पेपर करना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स, अप्लाई हिस्ट्री में, अप्लाई हिस्ट्री में कौन सा है, व्हाट इज द अप्लाई हिस्ट्री, डेफिनेशन, डेफिनेशन, ओके। अप्लाई हिस्ट्री में डेफिनेशन, मैनेजमेंटल स्टडी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स करने हैं आपको, ठीक है। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको करके जाना है। ये टेंजिबल कल्चर हेरिटेज और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये दोनों क्वेश्चन, ओके। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये सब कुछ नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड, एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड, ओके। एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड, फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट चार्ट, ये वाला चार्ट, ओके। ये दो एमसीक्यू, ओके। ये फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, ये आपको एलेबोरेटेड आंसर नहीं आएगा लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ऊपर वाले चैप्टर में वो आपको करना है दोनों, ठीक है। गिव रीजन वाले दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है गाइस। फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर पे आ जाते हैं, फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर पे आ जाते हैं। तो फोर्थ चैप्टर में आपको क्या करना है, व्हाट इज आर्ट्स का डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन, और उसके टाइप कौन कौन से टाइप है, विजुअल आर्ट्स, स्टाइल इन आर्ट्स, फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, ठीक है, ये टाइप्स करने हैं, ओके गाइस। फिर उसके बाद वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग, क्लासिकल स्टाइल पेंटिंग, डेफिनेशन ओनली, ओके। डेफिनेशन, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। ये ताजमहल वाला क्वेश्चन, ताजमहल वाला क्वेश्चन आपको करना है, गोल गुंबज, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का आपको पढ़ के जाना है, ओके गाइस, ओके। और
कहाँ पे कौन सा डांस फेमस है, कहाँ पे कौन सा डांस फेमस है, अगर आपको पूछा कि महाराष्ट्र में कौन सा डांस फेमस है, ये हिस्ट्री में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री है। ओके ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको फॉलोइंग टेबल्स दिया है, टेबल्स आपको करना है, एमसीक्यू ठीक है, एमसीक्यू शॉर्ट नोट विथ रीजन। सर हिस्ट्री में आपको टोटल 28 मार्क्स का पेपर आएगा हिस्ट्री का, और ऑप्शनल के साथ आपको 42 मार्क्स आएगा। 42 मार्क्स में से आपको सिर्फ 28 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। दनिश दनिश आपको, अविष्का अविष्का आपको 28 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है और 42 मार्क्स का ऑप्शनल के साथ आएगा। ये चैप्टर रिड्यूस है, आई नो चैप्टर रिड्यूस है, लेकिन आप लोग, मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ओके फिर भी आपको मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। रिड्यूस वाले चैप्टर का हम नहीं देंगे अभी, फोर्थ और सिक्स चैप्टर का आपको कुछ नहीं करना है। ओके ठीक है, फोर्थ और सिक्स चैप्टर का आपको कुछ नहीं करना है। फिफ्थ चैप्टर का आ जाते हैं हम लोग, मास मीडिया का इंट्रोडक्शन, मास मीडिया के बारे में आपको, न्यूज़पेपर के बारे में ठीक है। पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, पहला न्यूज़पेपर ठीक है, ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि पहला नाम, पहला जो पेपर था कहाँ पे था, कौन सा था। ओके एमसीक्यू में ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियो पे, डिजिटल जर्नलिज्म। ओके ठीक है, टेलीविज़न, टेलीविज़न की स्टार्ट कब हुआ था, टेलीविज़न स्टार्ट कब हुआ था। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आप लोग टिक कर लो गाइस। व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, व्हाई डू वी मास मीडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे दोनों एमसीक्यू शॉर्ट नोट ओके। और ये कॉन्सेप्ट चार्ट, बस इतना ही करना है चैप्टर से। सिक्स्थ वाला चैप्टर रिड्यूस है, करेक्ट गाइस, सिक्स्थ वाला चैप्टर आपको नहीं आएगा। अनुष्का टेलीविज़न रेडियो सब करना है आपको, टेलीविज़न रेडियो आपको पढ़ना है ठीक है। एंटरटेनमेंट वाला चैप्टर नहीं है ना गाइस, ये रिड्यूस सिलेबस है। पैसेज बाहर से नहीं आएगा आपको, पैसेज आपको बुक का ही पैसेज रहेगा ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो पैसेज दिया है, पैसेज के ऊपर यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए ये पैसेज पूरा बुक का ही है, आपको बुक के अंदर सही। ये जो फॉग थ्रेट वाला था, थ्रेटर्स वाला जो हमने फोर्थ वाला चैप्टर डिस्कस किया था, उसका यहाँ पे आपको पैसेज दिया है। तो इसी तरह से अगर फोर्थ वाला चैप्टर रिड्यूस है तो यहाँ पे आपको अलग अलग सा एक ये आएगा, पैसेज आएगा। ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको थिएटर के बारे में करना है, ये नहीं करना, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा गाइस, करेक्ट करेक्ट गाइस, सिक्स्थ वाला चैप्टर आपका रिड्यूस है। ओके सिक्स्थ वाला चैप्टर रिड्यूस है आपका। तो हम लोग सेवेंथ चैप्टर पे आ जाते हैं, सेवेंथ चैप्टर आपका क्या है, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो गाइस स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे आएंगे पेपर में। हेड राइटिंग अच्छी चाहिए क्या, नॉट कंपलसरी, पेपर में हेड राइटिंग नहीं, बस आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए।
अनुष्का, अगर आपने अच्छे से लिखा है नीट एंड क्लीन, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करेगी, ओके? आप बस अच्छे से बॉक्स बनाओ। इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में बहुत सारे आएंगे। रेसलिंग आपको, ठीक है, रेसलिंग के इम्पोर्टेंट, और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर, यहाँ पे आपको इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम कौन से होते हैं, ठीक है। टॉयज एंड हिस्ट्री, टॉयज एंड हिस्ट्री आपको सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग, लर्न विथ शेयर, हेलो 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 श्रेयस, आपका पेपर हमने पूरा डिस्कस किया, श्रेयस हमने आपका पूरा पेपर डिस्कस किया है, ओके। गेम मटेरियल्स एंड टॉयज, गेम मटेरियल एंड टॉयज, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ओके। टॉयज एंड हिस्ट्री, ओके। मूव ऑन स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन, ओके। यहाँ से दो क्वेश्चन, दो शॉर्ट नोट, बस दो क्वेश्चन, दो शॉर्ट नोट, बस इतना हो गया आपका, ओके। उसके बाद टूरिज्म एंड हिस्ट्री पे आ जाते हैं, टूरिज्म और हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे टूरिज्म और हिस्ट्री में क्या आएगा आपको, टूरिज्म डेफिनेशन, ओके। ओके श्रेयस, ओके श्रेयस, मराठी मीडियम का भी सेम है, यहाँ पे देख लो, मराठी मीडियम में भी सेम क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से। आपका मराठी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का बुक सेम है, ठीक है। श्रेयस, अनुष्का, पेपर में पिक्चर भी आ सकता है डिस्क्राइब करने के लिए। ये देखो गाइस, आपका पेपर है 2020 का पेपर है, 2020 के पेपर में सिर्फ आपको फ्लो चार्ट आएगा, डायग्राम नहीं आने वाला है, ओके। गाइस आपको डायग्राम नहीं आने वाला है, सिर्फ फ्लो चार्ट आएगा। आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट आने वाले हैं, लगभग 10-15 मार्क्स का आपको फ्लो चार्ट आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म टूरिज्म वाला चैप्टर आपको करना है, टूरिज्म बेस्ड ऑन अ स्पेशल इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र, ओके ओके गाइस, ये दो क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट, बस आपका, और यहाँ पे एक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा के दे रहा हूँ उसी में से आंसर आने वाला है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं गाइस, ठीक है। बाहर से कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि एक्सरसाइज से क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज से क्या पढ़ना है और लेसन के अंदर से क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में 5th चैप्टर रिड्यूस है, ओके 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 अनुष्का, ठीक है। सम फेमस मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये नहीं आएगा। म्यूजिक, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ओके। लाइब्रेरी एंड द आर्चिव्स, इंसाइक्लोपीडिया नहीं आएगा, इंसाइक्लोपीडिया, टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, ओके ओके गाइस। देन उसके बाद दो यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक गिव एलेबरेटेड आंसर, बस इतना ही करना है आपको इसके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस पे गाइस, पॉलिटिकल साइंस वाला चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। पेपर सीक्वेंस से नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बराबर डाला तो चलेगा। आप क्या कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपको अगर दूसरा क्वेश्चन पहले आता है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिख सकते हो पहले पेज पे,
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन पहले लिखना है आप लिख सकते हो, बस आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर डालना है। ऐसा कोई कुछ नहीं होता है कि आपको पहला क्वेश्चन पहले पेज पे ही आना चाहिए, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन आखिरी पेज पे भी लिख सकते हो और आखिरी क्वेश्चन पहले पेज पे भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद हम लोग देन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर वेटेज देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा। पहला चैप्टर आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए आपको पहला चैप्टर आएगा। सब क्वेश्चन कंटिन्यू लिखा तो चलेगा? चलेगा। आप कौन सा भी क्वेश्चन कहीं पे भी लिख सकते हो। गाइस, सुनील हाय हाय, हेलो ब्रदर, आप कौन सा भी क्वेश्चन कहीं पे भी लिख सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप पहला क्वेश्चन आखिरी पेज पे क्यों लिख रहे हो। आपको जो क्वेश्चन आता है आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला चैप्टर 5 मार्क्स के लिए है, फिर दूसरा और तीसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर मिला के आपको 8 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। आई थिंक मुझे किसी ने कहा कि फोर्थ चैप्टर रिड्यूस है, क्या आपका फोर्थ चैप्टर रिड्यूस है? गाइस, क्या आपका फोर्थ चैप्टर रिड्यूस है? क्या आपका फोर्थ चैप्टर रिड्यूस है? ओके, फिफ्थ चैप्टर रिड्यूस है। ओके, तो फोर्थ चैप्टर का जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स। ओके डीजे, डीजे भाई कैसे हो? ओके डीजे, डीजे फिफ्थ चैप्टर रिड्यूस है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सिर्फ चार चैप्टर पढ़ के आप कितने मार्क्स ला सकते हो, 12 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। ये टोटल आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपको सिर्फ 12 मार्क्स लाने हैं। सुनील भाई गुस्सा मत करो, आप डीजे ही बोलेंगे आपको। दिव्यानी, यस यस, हेलो हाउ आर यू दिव्यानी, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट, वोटिंग करना क्यों राइट है, आपका अधिकार क्यों है वोटिंग, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, इसके हिसाब से आपको क्या सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी, पॉलिसी फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट, लॉ रिलेटिंग टू द वुमन एंड द प्रोविजन फॉर द, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड द ट्राइब, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ टाइप पूछ सकता है कि क्या क्या टाइप आएगा। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी सब आएगा, सिर्फ आपको पूछेगा टाइप क्या है, ठीक है। टाइप आपको पूछ सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में कौन कौन से टाइप है। ओके ऑप्शन, ओके गाइस, ठीक है। रोल ऑफ जुडिशरी, जज का क्या काम होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको 3 MCQ दिए हैं, तीनों MCQ, ये कॉन्सेप्ट, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोलर प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, इलेक्शन कमीशन, ओके, इलेक्शन कमीशन, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, चैलेंजिंग इन द कंडक्टिंग द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन, ये गाइस ये 3 पॉइंट। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट? अनुष्का आप क्या बोलना चाहते हो, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? अच्छा, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट,
आपको सब क्वेश्चन करने हैं गाइस, जो जो मैं टिक करवा रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्वेश्चन नहीं आएगा अनुष्का, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आने वाला है क्वेश्चन। ओके, फेज फेज अंडरस्टैंड सर, एसएससी का कब है? एसएससी का एग्जाम कब है? 1 तारीख को है। दिस क्वेश्चन, दिस वन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन का फंक्शन पूछ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन का ये पूछ सकते हैं, रोल क्या होता है, ठीक है? एसएससी का लेक्चर कब है? ओके, जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएगा बच्चों का, हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही पेपर बच्चों का ख़त्म हो जाएगा, एसएससी 10th का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और 11th का भी, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि कौन कौन सी पार्टी है। चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है? नेशनल पार्टी कौन कौन सी है? ओके, रीजनल पार्टी कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आएगा। ओके, ये देखिए, शिवसेना सब मेजर रीजन पार्टी इन शोन बिलो, यानी महाराष्ट्र में कौन कौन सी पार्टी है? ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पार्टी है उसके बारे में, शिवसेना। ये देखिए, शिरोमणि अकाली दल, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब आपको करना है। ओके, और ये सब नहीं आएगा आपको गाइस, ये सब नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, ये सब आपको नहीं आने वाला है गाइस। एमसीक्यू और ये दोनों बस। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है? ओके, इसके अंदर व्हाट इज द मूवमेंट, व्हाट इज द मूवमेंट, रीड द फॉलोइंग डायगल एंड राइट एंड पैराग्राफ, ये नहीं आएगा आपको। इंपॉर्टेंट मूवमेंट, मूवमेंट इन इंडिया मराठी मीडियम का। ओके ओके भाई, आपके लाइव वीडियो रिपीट नहीं दिखते भाई, अभी जाके देखो। आपको, आप पीछे करोगे तो पीछे हो जाएगा, आगे करोगे तो आगे हो जाएगा, ठीक है श्रेयस? आपको लाइव वीडियो आप कभी भी देख सकते हो मेरा, पीछे आगे करके। श्रेयस, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है? फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, कौन कौन से मूवमेंट है इंडिया में, ठीक है? ये दोनों, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, देन उसके ऊपर बेस के ऊपर ये क्वेश्चन, ओके, और ये कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, ठीक है शेयर्स, मैं आपको पर्सनली मैसेज करता हूँ। ओके ओके, सब मूवमेंट आएंगे अनुष्का, हमने बोला है आपको। ये देखिए, इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया, ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट्स, लेबर्स मूवमेंट, ये सिर्फ आपको ऐसा पूछा जाएगा कि राइट एनी 4 और 5 मूवमेंट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है? सर, आज का साइंस 2 पेपर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, ओके ओके, मैं देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं चेक करता हूँ। ओके।
कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं चेक करता हूँ। श्रेयस, सब सब ट्राइबल मूवमेंट सब, आपको सब क्या, सिर्फ मराठी मीडियम का सतीश। ओके, मराठी मीडियम का भी देख लो गाइस, ये देखो मराठी मीडियम का ये वाला, ठीक है। इतिहास लिखना चाहिए परंपरा, ओके। महत्वाचे विचारवंत, उसके बाद वोल्टेयर, वोल्टेयर नहीं करना है, ये आपको करना है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ओके। सिर्फ स्त्रीवादी इतिहास लेखन, हिस्ट्री का एक सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, ओके। अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए हिस्ट्री का, सॉल्व किया होगा, ठीक है, सॉल्व किया होगा क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको। गाइस, सॉल्व किया हुआ पेपर चाहिए आपको, सॉल्व क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री 2022 आपको 2020 का, ओके। मैं 2020 का आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर देता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, और किसी को कुछ डाउट? गाइस, और किसी को कुछ डाउट है? श्रेयस, श्रेयस मराठी नहीं आता बराबर मुझे, क्योंकि इंग्लिश, इंग्लिश क्योंकि हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना, इसके लिए मराठी थोड़ा डिफिकल्ट होता है मुझे, ठीक है। फिर भी मैंने आपके लिए पूरा मराठी में क्वेश्चन आंसर लिख के दिया आपको। अनुष्का, कल आप लाइव क्लासेस लोगे? कल अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पहले से ही आपको शेड्यूल डाल के रखूँगा, ओके। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, आप लोग मुझे वहाँ पे इंटरेस्टेड का डाल देना, ओके। लाइव लेक्चर का पहले से ही शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तलिश्मा शेख, व्हाट हैपेंड सर? मराठी का, ओके, मराठी का देख लो गाइस। आपको सबसे पहले तो जितने भी स्वाध्याय दिए हैं ना, स्वाध्याय में 60% क्वेश्चन आते हैं गाइस, याद रखना, इंग्लिश मीडियम वाले भी और मराठी मीडियम वाले भी। 60% क्वेश्चन आर कम फ्रॉम एक्सरसाइज, स्वाध्याय। रिमेनिंग 40% आर कम फ्रॉम जो टेक्सुअल पार्ट होता है ना, आपका जो ये पार्ट होता है, पैराग्राफ होता है, उसके अंदर से आते हैं, ओके। 2020 का, ओके ठीक है, 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं भेज दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर। आपको सीखना है गाइस, आपको सीखना है कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर। अगर आपको सीखना है तो गाइस आप लोग बोल दो, मैं अभी बता देता हूँ आपको यहाँ पे लाइव कि आप क्वेश्चन पेपर, कौन सा भी क्वेश्चन पेपर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी साल का, किसी को चाहिए टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट सबसे सीखना है, ओके ओके। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो आप करोगे, ओके। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप पहले करोगे, देन उसके बाद जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उस पे जाओगे आप। अनुष्का, श्रेयस, धनीश, ओके, मैं ओके 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 ठीक है। मैं आपको लाइव बता देता हूँ कि आप कौन सा भी पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ईयर का पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो गाइस, लाइव में आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप पेपर डाउनलोड करके कभी भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके गाइस। और किसी को कुछ डाउट है?
और किसी को कुछ डाउट है क्या? सर इंग्लिश मीडियम का कुछ है क्या? अरुणा अरुणा इंग्लिश मीडियम का भी है। इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर आप अगर आप चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 2020 का ये देखिए, इंग्लिश मीडियम का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके हमने पूरा इंग्लिश मीडियम का भी पेपर डिस्कस किया है। ओके तो गाइस हम लोग अभी आपको बता रहे हैं लाइव कि आप कैसे पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस तो देखते रहो, यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम लोग कि आप लोग किस तरह से किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस गाइस आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मार्क्स कैसे मिलते हैं? टेक्सुअल ज़्यादा करना है क्या? नहीं नहीं टेक्सुअल बिल्कुल नहीं करना है। विंग्स ऑफ एंजल, हाय हाय, हेलो हाउ आर यू। ओके ओके आपको टेक्सुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको टेक्सुअल क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं। आपको जो ये वाले क्वेश्चन है देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं भर भर के, ऐसे क्वेश्चन फॉलोइंग टेबल्स वाले क्वेश्चन बहुत भर भर के आने वाले हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट मैप वाले क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके आयान मराठी मीडियम का भी देख लो आप, आपको पूरा एक्सरसाइज करना है। आपको 60% जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सरसाइज के अंदर से आएंगे और 40% क्वेश्चन आपको टेक्सुअल पार्ट से आएंगे, ठीक है। विश्व तेज हार्मनी, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ओके मराठी में भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मराठी में भी आप देख लो, सेकेंड लेसन में आपको क्या करना है, सेकेंड लेसन में आपको इसका डेफिनेशन, सर आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। ओके ओके हम लोग थोड़ा वॉइस को बढ़ा देते हैं। एमसीक्यू सिर्फ आपको जो आपके एक्सरसाइज में सिर्फ वही करने हैं, आपको उसी में से एमसीक्यू आएंगे। नोडल गेमिंग जो मैंने क्वेश्चन आपको टिक किया है इंग्लिश मीडियम के, वो ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम का हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, अभी हम मराठी मीडियम पे कर रहे हैं, मराठी मीडियम का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ओके मराठी मीडियम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग देखो ये ताराबाई शिंदे वाला क्वेश्चन कर लेना, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रू और फॉल्स। आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा ट्रू और फॉल्स, 2-3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके बुलेट प्रूफ, ओके हिंदी में भी। ओके हिस्ट्री का पेपर इजी है, आई नो हिस्ट्री का पेपर आपका इजी आने वाला है। आपको जितने यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ चार्ट्स वाले क्वेश्चन वो सब करने हैं। ओके उपयोजित इतिहास ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए गाइस ये सब डेफिनेशन आपको करके जाना है, ये डेफिनेशन आपको करना है, डेफिनेशन और एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल पूछेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ओके
नहीं ये वाला क्वेश्चन, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे दो ये वाला क्वेश्चन और ये स्पष्ट करा संकल्पना। सर हिंदी मीडियम भी प्लीज, बुलेट प्रूफ। हिंदी मीडियम का भी चाहिए आपको? हिंदी मीडियम के लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे, कल वापस लाइव आ जाएंगे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ओके कोई बात नहीं, कल हम लोग सुबह लाइव आ जाएंगे। इंग्लिश मीडियम का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके ये देखिए, हमने इंग्लिश मीडियम का पूरा डिस्कस किया है। ये देखिए पूरा हमने डिस्कस किया है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर से लेके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सब मराठी मीडियम का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके चौथा चैप्टर आपका नहीं आने वाला है, चौथा चैप्टर नहीं आने वाला है। ओके तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, फिफ्थ वाले चैप्टर पे। ओके फिफ्थ वाले चैप्टर से आपको क्या करना है, ये पूरा एक्सरसाइज करना है, ठीक है। सिक्स्थ वाले चैप्टर में आपको, सिक्स्थ वाला चैप्टर आपका नहीं आने वाला है गाइस, सिक्स्थ वाला चैप्टर आपका कैंसल है। ओके सिक्स्थ वाला चैप्टर आपका कैंसल है। सेवन चैप्टर में ये देखिए गाइस, खेड़ाचे महत्व, खेड़ाचे प्रकार, दोन प्रकार कौन सा, एक तो बैठे खेड़ और मैदानी खेड़, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में पूरा आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। पर्यटन आणि इतिहास, पर्यटनाची परंपरा, ओके आंतरराष्ट्रीय स्थानीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटन, ये क्वेश्चन आप करते हो तो पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पर्यटन के प्रकार भी दिए गए हैं। ओके यहाँ पे को अलग अलग प्रकार है, कृषि पर्यटन, क्रीडा पर्यटन, नैमित्तिक पर्यटन और आरोग्य पर्यटन। ओके ठीक है गाइस। और यहाँ पे आपको ये और ये वाला क्वेश्चन रिपीट करो सर एक बार। ओके मैं आपको धीरे धीरे ऊपर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने टिक किए हैं। ओके ऐतिहासिक ठेवायचा जतन, ये देखियो मौखिक साधन और लिखित साधने, ये दो क्वेश्चन उपयोगित प्रशिक्षण इतिहासाचे साधने यानी इसी में से ये पूरा आएगा। ओके ओके गाइस ये देखिए, ये सब अलग अलग टॉपिक से ये सब करना है आपको। विंग्स ऑफ एंजल, ओके ठीक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वस्तु संग्रहालय है उसके बारे में आप पढ़ लेना। नजीम हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ओके गाइस शब्दकोश, कोषवाड्य या शब्दकोश के बारे में आप पढ़ लो ना, यहाँ पे आपको अलग अलग शब्दकोश के टाइप दिए गए हैं। लर्न विथ श्रेयस, ओके 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 नजीम श्रेयस, ओके ठीक है। भारतीय संस्कृति कोष, और ये वाला आपको कोषाचे प्रकार यहाँ पे आपको दिया गया है, संज्ञा कोष, भारतीय संस्कृति कोष, स्थल कोष, विश्व कोष, ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और ये पूरा उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया है कि ये आपको टोटल यहाँ पे टोटल आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये पूरा 20 मार्क्स के लिए आएगा, 20 में से आपको सिर्फ 12 मार्क्स का लिखना है। ओके ये वाला चैप्टर नहीं आने वाला है गाइस, ये वाला चैप्टर नहीं आने वाला है, फिफ्थ वाला चैप्टर, आपको सिर्फ ऊपर के 4 चैप्टर आएंगे, ठीक है, ऊपर के 4 चैप्टर आएंगे सिर्फ आपको। थैंक यू नजीम, ओके संविधानाची यहाँ पे आपको मताधिकार,
ओके, मताधिकार, मताधिकार आपको क्वेश्चन करना है। गाइस मेरा आवाज कम आ रहा है, गाइस मेरा आवाज कम आ रहा है आपको? हाँ गाइस मेरा आवाज कम आ रहा है आपको? एक्चुअली श्रेयस, श्रेयस अभी मेरा मोबाइल बंद है, कल सुबह आपको 10 बजे, 10-11 बजे लाइव आऊंगा मैं, ठीक है? ओके ठीक है, आप लोग, मैं एक बार और देख लेता हूँ, ठीक है गाइस? आपको आवाज़ कम आ रही है अभी? गाइस अभी सही है, अभी आवाज़ परफेक्ट है गाइस? अभी आवाज़ परफेक्ट है क्या? दनिश, दनिश जैन, ओके 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 सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, माहिती का अधिकार, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके अंदर बहुत सारे माहिती के अधिकार है, सामाजिक न्याय एवं समता, अल्पसंख्यक विषय, तरगुत्ती, राखीव जगाचे धोरण, महिला लंबी कायदे, ओके ओके गाइस। उसके बाद नीचे आपको महत्वपूर्ण न्यायालयिक निर्णय, ये करना है, ओके? और ये पूरा आपको एक्सरसाइज करना है, पूरा एक्सरसाइज, ये स्पष्ट करा तक, ठीक है? निवडणूक प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन, आयोग, निवडणूक आयोग, ओके। बाय सुरेश, बाय, कल मिलते हैं। शेख भाई कैसे हो? गर्ल्स नो, ओके। आप लोग देखो यार बच्चों, आप लोग ने बोला है कि गाइस, आपने बोला है कि मराठी मीडियम का डिस्कस करो, इसके लिए मैं मराठी मीडियम का भी, सेम जैसे हमने इंग्लिश मीडियम का डिस्कस किया था वैसे ही हमने यहाँ पे मराठी मीडियम का ही आपको बता रहे हैं, ओके? तो मैंने खास कर कहा है कि आपको एक्सरसाइज है वो करना है, अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर लिया तो आपका 60% जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, ठीक है? शेख भाई मुंबई से, ठीक है? ठीक है गाइस, ओके। ओके गाइस आपको और कोई डाउट है? ये देखो गाइस, ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट करना है, राष्ट्रीय पक्ष और ये वाला प्रादेशिक पक्ष, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? और यहाँ पे आपको प्रमुख प्रादेशिक पक्ष, जैसे आपने महाराष्ट्र में कौन कौन से दल है, शिवसेना, अकाली दल, कौन कौन से दल है वो आपको करने हैं, ओके? और ये पूरा एक्सरसाइज, ओके? उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शनल करने हैं ये, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें आएगी, ये सब चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पे करनी है, और लास्ट में ये पूरा एक्सरसाइज, ओके? विंग्स ऑफ एंजल, ठीक है गाइस? तो आज का हमने पूरा इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम दोनों का पेपर यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आंसर है, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वो सब कराए हमने, ओके दनिश, ओके एंजल, अस्मिता सुनो सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, पूछो अस्मिता, पूछो आप लोग, अभी आप लोग अपने डाउट्स पूछो। गाइस सब नाश्ता करके आए हैं ना कि थक गए?
दृष्टि, हाँ सर, ओके। और गाइस कैसे हो सब? नाश्ता पानी सब हो गया आपका? अस्मिता आप पूछो, आपको क्या डाउट है? आयान, आयान भाई क्या हो रहा है? सारिका पाटिल, हेलो, हाउ आर यू? कैसा गया आपका पेपर आज का, साइंस टू का? अस्मिता आप पूछो, क्या पूछना था आपको? जो भी आपका डाउट था आप लोग पूछ लो, ओके। जो भी आपका डाउट था आप लोग पूछ लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, आपको तो दो लेसन वैसे ही रिड्यूस है, ये देखिए दो लेसन आपके वैसे ही रिड्यूस है, ये देखिए। अस्मिता, सरिका पाटिल, ओके ओके, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे ही दो लेसन आपके रिड्यूस है, फोर्थ लेसन एंड सिक्स्थ लेसन। तो आपको कितने, नौ में से सिर्फ आपको सात लेसन करने हैं, और सात लेसन में आपको 42 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और आपको सिर्फ 28 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ दिया ना? आज का पेपर इजी था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत से बच्चे दोपहर में लाइव थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हमारा कोई अच्छा गया है पेपर। आयान आपको, आपका पेपर कैसा खराब चले गया? ठीक है गाइस, देख लो गाइस, और कुछ डाउट है आपको, और कुछ पूछना है? अस्मिता, दानिश, आयान, सरिका, प्रतीक, और किसी को कुछ डाउट है? गाइस और किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लो, ओके, शर्माओ मत। प्रतीक, हाँ सर, मस्त होता अच्छा पेपर, ओके, हाँ आज का पेपर अच्छा था। दृष्टि, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू। हाँ तलिश्मा थोड़ा खराब, ओके 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 गाइस। हाय हाय प्रणव, हाउ आर यू? कैसा गया पेपर आपका? हाय प्रणव, कैसा गया पेपर आपका? ओके तलिश्मा, अच्छा गया आपका, ओके। प्रणव आपका पेपर कैसा गया? दृष्टि ठीक, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, ओके। हाय प्रणव, हाय प्रणव, हाउ आर यू? सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाना कल, ओके ओके। अनुष्का, पार्थ, पार्थ हाय, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? के गेमर, हाय ब्रदर, अच्छा गया प्रणव, ओके ओके। पार्थ, हेलो ब्रदर। दृष्टि, इम्पोर्टेंट की राह देख रहे थे, ओके ओके। हाउ आर यू? फाइन फाइन, आई एम फाइन, ओके ओके गाइस, ओके गाइस, ओके। और किसी को कुछ डाउट है? आज का पेपर बहुत अच्छा गया, आई नो गाइस। तलिश्मा शेख, ओके ओके गाइस, आज का पेपर बहुत अच्छा गया, ओके। एनीवन गाइस, 16 जन है यार, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाओ यार, बात करो। आई एम फाइन पार्थ, ओके। पेपर हार्ड होता हो,
पेपर हार्ड कैसे था के गेमर? पेपर पेपर इजी था एक्चुअली, साइंस का पेपर हार्ड नहीं था, पेपर इजी था एक्चुअली। हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। विंग्स ऑफ एंजल, सुनध्या पाटिल, सर कर्ट लेसन के अलावा कौन से चैप्टर नहीं करने हैं? कर्ट लेसन के अलावा आप कौन सा चैप्टर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप तीसरा लेसन मत नहीं कर सकते, तीसरा लेसन। ओके, उपयोजित इतिहास इंग्लिश में बताओ ना प्रणव। तीसरा लेसन आप नहीं कर सकते, ओके ठीक है। वीडियो स्टार्ट करो पार्थ भाई, हमने वीडियो ऑलरेडी एक घंटा हो गया, हमने एक घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वैसे ही बच्चों का आज लेट हो गया था, मेरा इंग्लिश मीडियम है। ये देखिए गाइस, इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, ये ओके यहाँ पे देख लीजिए गाइस, इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पे हमने बता दिया था कि किस तरह से आएगा। ओके ये देख लो गाइस, दिख रहा है आपको, हमने इंग्लिश मीडियम का भी डिस्कस किया था, दिख रहा है आपको? सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो ना प्लीज़। प्रतीक, प्रतीक हमने आपको बताया था कि कौन से, यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया है। ओके तलिश्मा क्या बताने वाली थी? आयान ओके ओके ठीक है ठीक है। अनुष्का एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए, आपको एमसीक्यू सिर्फ आपके एक्सरसाइज से करने हैं, आपको बाहर के एमसीक्यू नहीं आएंगे। ओके अनुष्का, सिर्फ आपको हिस्ट्री के अंदर 3 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए। ओके और 2 मार्क्स के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस में आएंगे, ठीक है। दनिश आई एम फ्रॉम मुंबई, ओके ओके। सर मैं लेट आया लाइव। प्रतीक आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, वहाँ पे हमने पूरे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर थे वो टिक करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे। ओके प्रतीक आप एक बार देख लो। ओके तलिश्मा जरा रुको बताता हूँ। गाइस क्या कर रहे हो आप लोग? प्रणव सर कल लेक्चर कब है? कल लेक्चर सुबह होगा 9-10 बजे, मैं आपको शेड्यूल डालूंगा, शेड्यूल अभी रात में शेड्यूल डाल के रखूंगा। ओके वहाँ पे टाइम मेंशन होगा, ठीक है कि कितने बजे लेक्चर होगा। ओके ओके आयान ओके ओके। गाइस और भी 2-3 लोग नए आए हैं, गाइस अपना नाम तो बता दो यार, आप लोग आते हो और चले जाते हो, थोड़ा बात कर लो यार, बहुत सारे दोस्त बने हैं नए नए हमारे। सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दनिश चलता है, सब दोस्त है अपने ही दोस्त है। सर आयन को ब्लॉक कर दो, नहीं जान दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो ना प्लीज़ सर उन क्वेश्चन की। ओके ओके क्वेश्चन की लिंक, ओके ठीक है। गाइस मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक पेज पे ये लिख देता हूँ क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है ओके, और उस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम पे डाल दूँ, चलेगा? टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप लोग क्या करो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो ओके, और टेलीग्राम कहीं पे भी एक्सेस हो जाता है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे अगर डालोगे वो तो टेलीग्राम डायरेक्ट आएगा गूगल पे। क्रिश नाइस टू मीट यू, क्रिश क्रिश भाई हेलो हाउ आर यू, कैसा गया आपका पेपर, ठीक है। और वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ये सबसे बेटर रहेगा। अंजना जैन हेलो हाउ आर यू, कैसा गया आपका पेपर, ठीक है ये सबसे बेटर होगा। 18 जन लाइव है लेकिन 18 जन बात नहीं कर रहे गाइस। ओ केविन भाई हेलो हेलो, आप कल आए थे? विनोद अच्छा सर शारदा ओके ओके, आप लोग अपने पेरेंट्स के मोबाइल से ज्वाइन हो क्या? आई एम बैक, वेलकम वेलकम बैक ब्रो। केविन भाई
स्वागत है आपका। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहाँ से हो सर? प्रणव भाई हम मुंबई से हैं। अंजना जैन वेरी इजी। ओके आउट ऑफ अंजना जैन वेरी गुड। मनीष मनीष हाय। हेलो मनीष हाउ आर यू? कैसा गया आपका पेपर? सर एमसीक्यू का ऑप्शन लिखना है या पूरा स्टेटमेंट? आपको हमेशा पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है एमसीक्यू का, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न होता है सर में। ठीक है तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है उसके बाद एमसीक्यू लिखना है। ओके हाय मनीष हाय हाय मनीष। ओके समीर समीर आप लोग अपने पेरेंट्स के मोबाइल से लाइव हो? ओके ओके सर आप कब लाइव आओगे? कल सुबह आएंगे हम लोग 9-10 बजे। ठीक है सर मुंबई में कहाँ पर? गाइस मुंबई मुंबई में आप लोग एक तरह से पर्टिकुलर एरिया में, आपको पर्टिकुलर एरिया बोलूँ तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ओके सर आप लाइव कब आओगे? कल हम लाइव आएंगे 9-10 बजे, 10 बजे तक आएंगे जब सब बच्चे फ्री रहेंगे। ठीक है तभी का मैं लिंक डालूंगा। ओके नरेश हेलो हेलो नरेश हाउ आर यू? कैसा गया आपका पेपर? हेलो नरेश हाउ आर यू? कैसा गया पेपर? हेलो केविन भाई आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ओके केविन आपका ओवरऑल कितना सब्सक्राइबर है? बहुत कम है सब्सक्राइबर भाई। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं अभी बच्चों को पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है धीरे धीरे हम भी सक्सेस हो जाएंगे। बाय सबको, बाय आयन, बाय, टेक केयर, टेक केयर आयन, बाय। ठीक है गाइस बाय बाय आयन बाय। गाइस और किसी को कोई बात पूछनी हो? अभी आपका 10th ख़त्म हो जाएगा और आपका सिर्फ 2 पेपर बचा है, तो गाइस आपके पास पूरा वेकेशन रहेगा। आप बताओ 10th के बाद क्या लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 10th के बाद आपको साइंस कॉमर्स और आर्ट्स ये 3 स्ट्रीम होते हैं। ओके विंग्स ऑफ एंजल बाय। अच्छी कंपनी में जाने के लिए तो आप हर जगह से अच्छी कंपनी में जा सकते हो। साइंस लोगे तो आप साइंस में बहुत सारे फील्ड है, ठीक है, साइंस लेके आप मेडिकल में जा सकते हो, आप अच्छे से फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हो, दवाई वाई के कंपनी में जा सकते हो, आप मेडिकल शॉप में बैठ सकते हो आप। विनोद विनोद हम मराठी मीडियम नहीं लेते। हाय 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 वेदू हाउ आर यू? कैसा गया आपका पेपर? ओके यस यस हाय। हेलो ब्रो हेलो ब्रदर हाउ आर यू? हाय वेदू हाउ आर यू? ठीक है आपको समझ गया। और अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स लेके आप बैंक में जॉब कर सकते हो। ओके और आर्ट्स वाले ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो सरकारी नौकरियाँ होती है उसके लिए। ओके क्या गेम डेवलपर में प्रॉफिट है? हाँ प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट है भाई। अगर आप कुछ भी डेवलप करते हो जो काम का है उसमें आपको पैसा है, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा है उसके अंदर। ओके ठीक है आपको हर चीज़ में स्कोप है, बस आपको मेहनत करना होगा, आप हर चीज़ में पैसा बना सकते हो। ठीक है ओके ओके दनिश ओके ओके खुशी हेलो हाउ आर यू? बोर गया पेपर क्या हो गया? आज का पेपर वैसे भी अच्छा था, आज का पेपर बहुत अच्छा था, साइंस 1 और 2 दोनों पेपर बहुत अच्छा था। हेलो खुशी हाउ आर यू? कैसा गया पेपर?
शॉर्ट नोट के चार में पॉइंट सफिशिएंट है। हाँ, चार मेन पॉइंट सफिशिएंट है शॉर्ट नोट में। चार मेन पॉइंट आपने लिखा अनुष्का, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रणव, यस यस। हेमन, इम्पोर्टेंट टिप्स दो ना। हमने ऑलरेडी पूरा दोनों मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों डिस्कस किया है। विनोद, हाँ हम 11th और 12th दोनों के लिए पढ़ाते हैं। जीटी गेमिंग, वाओ नाइस, आपको 40 में 40 मार्क्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग अच्छे से अगर लिख के आए होगे तो आपको, सर मुझे आप गेम डेवलपर या टेस्टिंग के कोर्स बताओ प्लीज़। गेम डेवलपर और टेस्टिंग के लिए सिर्फ आपको, आप 12th साइंस के बाद आप CS ले सकते हो कंप्यूटर साइंस, या फिर IT में जा सकते हो कंप्यूटर साइंस और IT, और कंप्यूटर साइंस और IT का कोर्स करके आप वहाँ से कोडिंग सीख सकते हो। कोडिंग सीख के आप अपने जो गेम से वो डेवलप कर सकते हो। ओके सर, इम्पोर्टेंट लेसन कौन से है? गाइस आपको 9 लेसन है, 9 लेसन में आपको सिर्फ 7 लेसन पढ़ने हैं, ठीक है। प्रणव, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वेदु, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, क्या प्रॉब्लम हो गई? वेदु भाई क्या प्रॉब्लम हो गई आप बता दो, हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, आप टेंशन मत लो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लोग फ्रैंकली, आप लोग बिना हिचकिचाए बोल सकते हो, ओके कि अगर हमारी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है, हमारे पढ़ाने का तरीका गलत है, सब आप बोल सकते हो। ओके सर, आप कब आओगे लाइव? कल हम लगभग 10 बजे तक लाइव आएंगे। ओके वेदु, हमने कल क्वेश्चन दिया था, आपको कहा था, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आए थे, आपको नहीं आए थे, कैसे? टीचर करियर के लिए क्या करना होता है? आप क्या कर सकते हो, आपका अगर ये हो जाता है, आप 12th के बाद आप कौन सा भी ये ले लो, ठीक है। 12th के बाद आप BEd कर लो, ओके। 12th के बाद आप BEd कर लो, BEd और DEd, टीचर के लिए बनने के लिए BEd और DEd होता है, ओके। और वहाँ से आप टीचर बन सकते हो। सर आप सारे क्वेश्चन पे वीडियो बना कर दो, ओके ठीक है, हम ट्राई करेंगे। सर मैं सुन रहा हूँ कि सबके स्कूल में चीटिंग चालू है, क्या सच है? साला मेरे स्कूल में मुंडी भी नहीं हिलाने देते। गाइस बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको अपना मेहनत करते रहना है, ओके। आई नो ये चीज़ें मैंने भी सुनी है कि चीटिंग होती है, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। सर क्वेश्चन बैंक से कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है? आपको क्वेश्चन बैंक से जो आपके इसमें एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, नीलेश 1803। थैंक यू सो मच विंग्स ऑफ एंजल, थैंक यू सो मच। ओके हेमन। लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आर्ट्स लेना होगा आपको, साइंस में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स के अंदर आपको मराठी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस के अंदर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। हेलो मयूरेश, हेलो हाउ आर यू, हेलो जानवी हाउ आर यू, दनीश, रामदास, ओके आई एम साई, ओके आई, हेलो साई, ओके राम दिनेश गुप्ता, जियोग्राफी के लिए भी हम लोग लाइव आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके ओके हेमन, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो भी बनाएंगे आपको। विंग्स ऑफ एंजल, आई नो, मुझे पता है बहुत से स्कूल में कॉपी हो रही है, ठीक है, बहुत से स्कूलों में हो रही है,
कल का पेपर आसान होगा क्या? हाँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको कहा था कि जितने भी मैप वाले क्वेश्चन है ना, वो आप सब सब करके जाने हैं, कॉन्सेप्ट मैप वाले। नेहा नेहा, थैंक यू सो मच। जानवी, ओके यू आर फाइन। ओके अगोरी, अगोरी आर्मी, हेलो ब्रदर। रामदास, रामदास, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? मयूरेश, मयूरेश मैं BGMI नहीं खेलता। ओके जानवी, हम लोग जियोग्राफी की भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है? मयूरेश मैं BGMI नहीं खेलता, BGMI नहीं खेलता। अनुष्का सर, आपने जो बताया है उसमें ही आएगा ना? हाँ, बिल्कुल कंफर्म। मैंने जो बताया है आप वो करके जाओ, जितना लेसन मैंने, जितना लेसन का जो मैंने टिक करवाया है उसी में से क्वेश्चन आएंगे आपको। ओके ठीक है। और आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के अंदर जितने भी MCQ है और जितने भी शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है वो सब करना है। ओके अगोरी, आई एम सेमी इंग्लिश मीडियम, ठीक है? तो आपका कल का पेपर हिंदी में होगा आई थिंक। अगोरी कोई बात नहीं, ठीक है अगोरी। ओके ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट पेपर के लिए हम लोग, नेक्स्ट पेपर का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और लाइव आएंगे। ओके और अगर आपको 10th के बाद का भी कुछ प्रॉब्लम होगा कि 10th के बाद किस तरह से एडमिशन लेना है कॉलेज में, सब चीज़ें हम लोग लाइव आके डिस्कस करेंगे। विजय हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो भाई, पेपर कैसा गया आपका? ओके सेम इंग्लिश। नेहा नेहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि इसके बाद आपका 11th 12th इंग्लिश हो जाएगा। जो बच्चे मराठी, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉल स्कूल में जाएंगे उनके लिए शायद मराठी का ऑप्शन हो, लेकिन अगर जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। गाइस डांस कर रहे हैं सब। ओके ओके अच्छा गया, नाइस नाइस। मयूरेश बाय 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 ब्रदर बाय। वैभव जोशी हेलो सर, आई एम बैक। वैभव जोशी, हितेश हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भावेश हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, कैसे हो? अगोरी, क्या आप मराठी में पढ़ा सकते हो? गाइस मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों क्लास को पढ़ाता हूँ। आप चाहोगे तो मैं मराठी में भी आपको सिखा सकता हूँ, मराठी में जो मराठी का जो बुक है 11th 12th का, वो दोनों मैं करवा सकता हूँ। ओके अगर आप चाहोगे तो। बहुत बढ़िया वैभव जोशी, 40 में 40 मार्क्स, नाइस। सृष्टि हाँ तिवारी, यस मैंने जो टिक करवाया है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। हितेश अगले पेपर कैसा गया? एंजल पेपर, ओके ओके। विजय मयूरेश सर, इंग्लिश का पेपर कब है? ब्रदर आपका इंग्लिश का पेपर हो गया है 10th का, इंग्लिश हिंदी मराठी का पेपर हो गया है लैंग्वेज का। राम दिनेश गुमता सर, 4 भी नहीं आएगा। आएगा आएगा राम दिनेश, आप देख लेना, ठीक है? नहीं, बुलेट प्रूफ, जो जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिलेंगे वो अपने आप बाहर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैथ को बाहर रखना है, इसको बाहर रखना है, वो आपके ऊपर नहीं है। जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिलेंगे वो अपने आप बाहर हो जाएगा, ठीक है? विजय भाटी, ओके सर प्लीज मराठी में पढ़ाओ, आई एम श्रद्धा। ओके ओके अनुष्का, जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिलेंगे वो चैप्टर अपने आप बाहर हो जाएगा। ओके वैभव, हमने पॉलिटिकल साइंस का भी बता दिया। ओके तलिश्मा शेख, ओके
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस हमसे जुड़ने के लिए, और जो भी नए आए हैं स्टूडेंट गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को। श्रुतिका, श्रुतिका हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक है। ओमकार, ओमकार मराठी में प्लीज़, ओके ओके मयूरेश, ठीक है, ओके ओमकार, हम लोग ट्राई करेंगे मराठी में भी, ठीक है। समीर, हिस्ट्री बेस्ट ऑफ फाइव में नहीं होता, नहीं हो सकता है, अगर आपको आपको अगर मार्क्स कम मिलेंगे जिस सब्जेक्ट सब्जेक्ट में वो निकल जाएगा सब्जेक्ट, ओके। अनुष्का ओके ओके, कल लाइव लेंगे, बाय सर, बाय 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 बाय, ओके विजय थैंक यू सो मच, बाय बाय वैभव, ठीक है सर। कल का टाइमिंग, कल हम 10 बजे आएंगे लाइव, ठीक है। रोहित सुनावने मराठी मीडियम, ओके ओके रोहित भाई, हम लोग ट्राई करेंगे पक्का। समीर बाय 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 बाय, अच्छा ठीक है, बुलेट प्रूफ आपका एक परसेंटेज वाला डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो आप सुन लो कि क्या होता है कि आपके पास कितने टोटल छः सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो छः सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स मिलेगा ना वो सब्जेक्ट अपने आप बाहर हो जाएगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे कम मार्क्स मिलेगा ना वो सब्जेक्ट अपने आप बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट में आपको सबसे कम मार्क्स मिलेगा वो अपने आप बाहर हो जाता है और आपको बेस्ट ऑफ फाइव में मार्क्स आता है, ओके। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपको दो लैंग्वेज कंपलसरी है, आपको जिसमें सबसे कम मार्क्स मिलेंगे वो अपने आप बाहर हो जाएगा, ओके ठीक है। यस, आपको 500 मार्क्स का टोटल होगा, 500 मार्क्स में से आपको परसेंट होगा, ठीक है। 500 मार्क्स में से आपको परसेंट निकाला जाएगा। थैंक यू सो मच विनोद, थैंक यू सो मच, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी 7:00 निकल गए हैं हम लोग, 5 बजे से 5:30 से लाइव है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। हम लोग अगर आप चाहोगे तो हम डेली लाइव आ सकते हैं शाम को, अगर आप लोग आओगे तो, ठीक है। फिर ऐसा कुछ भी डिस्कशन रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी 11th में जाने वाले हैं तो उनके मन में बहुत सारा डाउट रहेगा। हाँ, बेस्ट ऑफ फाइव में तीनों लैंग्वेजेस आ सकते हैं, अगर आपने हिंदी मराठी और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं तो बेस्ट ऑफ फाइव में आ सकते हैं, ओके। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, यस भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप, वो लोग कॉपी करके कहाँ जाएंगे, टेंशन मत लो आप, आप जहाँ जाओगे वही कॉलेज में आएगा वो भी, आपका दोस्त भी, तब वो बहुत पछताएगा जब उसको कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप। अजीज बिल्कुल बिल्कुल, 375+38 मयूरेश, मयूरेश ठीक है, पासिंग मार्क्स बताओ। अनुष्का ब्लॉगिंग, अनुष्का अनुष्का आपको टोटल 37% लाने होते हैं, ठीक है। 100 में से आपको 37% मार्क्स पासिंग होता है अनुष्का, 37% आपको पासिंग होता है, ठीक है ओके गाइस, 37% पासिंग मार्क्स होता है, 37% 10th के लिए 37% पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। अजीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओमकार हम लोग सुबह 10 बजे लाइव आएंगे, ओके, और डेली हम लोग शाम को लाइव आएंगे, ये बात आप याद रखिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होगा,
दूसरा कोई चीटिंग करता है तो आपका मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। टीचर बोलते हैं कि हाँ अगर सेम सेम रहा तो हम लोग मार्क्स कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जितना आपने लिखा है आपको उतना पूरा मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। ओके, एंग्री डेविल हाउ आर यू, कैसा गया आपका पेपर? एंग्री डेविल हाउ आर यू, कैसा गया आपका पेपर? ठीक है, बुलेट प्रूफ। आपको याद रखना है कि आपने जितने मार्क्स का लिखा है आपको उसमें से एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे वाला छापता है या पीछे वाला कॉपी करता है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेशन करना है। टेंशन मत लो आप लोग, आपका पेपर आपके कॉलेज में ही चेक होगा, आपके स्कूल में ही चेक होगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आराम से 85 आपको आराम से आ जाएगा क्योंकि पेपर बहुत इजी था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, और किसी को कुछ डाउट है? रिजल्ट कितने दिन में आएगा? आपका रिजल्ट लेट आने वाला है गाइस, रिजल्ट के लिए भी हम लोग पूरा आपको अपडेट देते रहेंगे। रिजल्ट आई थिंक आपका लेट आएगा क्योंकि आपका पेपर, दो पेपर आपका जल गया, दो आपका रिजल्ट डेट आएगा क्योंकि 12th का दो पेपर जल गया था, इसकी वजह से उनको टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, नहीं नहीं सब में सेम पासिंग रूल होता है। वेरी गुड एंग्री डेविल, बहुत बढ़िया, 98 इन फर्स्ट टर्म, बहुत बढ़िया। आपका नेक्स्ट पेपर अभी अप्रैल में 22 या 21 से स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइस बी प्रिपेयर। या ऑलमोस्ट जून या जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स विनोद, जब आपके टीचर एग्ज़ाम करवा सकते हैं तो आपके टीचर आपका पेपर और अच्छे मार्क्स क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, नहीं नहीं विशा ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वा, वैभव भाई हमने ऑलरेडी टॉपिक्स करवा दिए हैं। विश्वा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, जिसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे वो अपने आप निकल जाएगा। अथर्व, अथर्व भाई कैसे हो? 26 अप्रैल, अथर्व ठीक है। रमेश लाल, रमेश लाल आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा क्योंकि जो 12th का पेपर था वो दो पेपर जल गया था, इसकी वजह से उनका पेपर लेट हो रहा है, तो इसकी वजह से पहले उनका रिजल्ट बनेगा उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा। नहीं नहीं कंबाइंड रूल पासिंग कुछ नहीं होता है, सबका सेपरेट पासिंग होता है। नाई गेमिंग हाय ब्रदर हाउ आर यू, ओके ओके ओके। आरती बोलो जल्दी आपको क्या डाउट है? अभी हम लोग और आपसे 5-10 मिनट ही लाइव रहेंगे, उसके बाद हम लोग कल लाइव आएंगे। ओके, तो गाइस जो भी आपके डाउट है जल्दी जल्दी पूछ लो, जो भी डाउट होगा सब पूछ लो गाइस। ठीक है, ए टू जेड। आरती अपने डाउट पूछ लो, क्या है डाउट आपको? अजीज, हाँ भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ओमकार सर माय डाउट, ओमकार आपका डाउट पूछ लो, आपका डाउट पूछ लो ओमकार, क्या है डाउट आपको? सर चैट पॉइंट से गाना है, सर तीनों लैंग्वेज में 300 में से। हाँ हाँ अनुष्का आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको सब में सेपरेट पासिंग है। अगर आपको हिंदी में 37 मार्क्स है, मराठी में 37 है, इंग्लिश में 37 है, तो आप पास हो। मराठी 85, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस, यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस। गाइस मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, कोई और इतना कोई टाइम नहीं देगा आपको। आपके जितने डाउट है सब मैं आपके डाउट सुन रहा हूँ और आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ।
ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।